चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फिरोजाबाद के दबरई में आज समाजवादी पार्टी ने संसद से विपक्ष के 143 सांसदों के निष्कासन पर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें पूर्व सांसद अक्षय यादव ने कहा कि निष्कासित सांसदों ने संसद में जिस तरीके से घटना हुई, सदन में जो दो लोग घुस आए, सदन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ, उसको लेकर निष्कासित सांसदों की संसद की सुरक्षा को लेकर सवाल किया, उस पर सरकार जवाब दे। देखिए, 143 सांसद उनका निलंबन किया गया और उनकी सिर्फ यही मांग थी कि सदन में जो इस तरह की घटना हुई, जिस तरीके से दो लोग घुस आए, सुरक्षा के साथ चूक हुई, उस पर सरकार जवाब दे, सरकार उस पर जवाब दे और गृह मंत्री उस पर बयान दें कि घटना जो हुई है किस तरीके से हुई, कौन लोग उसमें शामिल थे और उसको किस तरीके से आगे नहीं दोहराया जाएगा, ये मांगते उसको वो सस्पेंड हो, उनका सस्पेंशन बहाल हो और सरकार की मंशा क्लियर हो, इसी पर आज हम लोग धरना देंगे। मांगे नहीं मानेगी तो आगे क्या रणनीति बनाई है? आज हम लोग अपनी मांगे रख रहे हैं और अगर मांगे नहीं मानी आएगी, आगे जितने दिन धरना चलाना पड़ेगा उतने दिन हम लोग धरना चलाने का काम करेंगे, जनता के बीच जाएंगे और आने वाले चुनाव में इस सरकार को हटाने का भी काम करेंगे। क्या कांग्रेस से आगे आपका गठबंधन रहेगा इंडिया अलायंस? अभी हम लोग इंडिया गठबंधन के अंदर हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मंशा बिल्कुल क्लियर है, वो कई बार बयान दे चुके हैं कि हम इंडिया गठबंधन रहेगा और आने वाले समय में इस देश से भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम गठबंधन करेगा। अभी तक सीट शेयरिंग पे कोई बात नहीं हो पा रही है? अभी 19 तारीख की मीटिंग हुई है, जल्दी कुछ ना कुछ हल निकलेगा और हम लोगों को भी उसकी सूचना प्राप्त होगी तब आपको बताएंगे।